फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार एनर्जी विद वन मोर वीडियो ऑफ टाटा एल्ट्रोस। एल्ट्रोस का क्या कहना भाई, ज़बरदस्त गाड़ी है सीएनजी के अंदर। इसमें जो किट लगाया अपना मोटोजैन बीएसएक्स, ये इसका ईसीएम है 32 पिन का जो अप्रूव्ड है। वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में है, प्रॉपर स्लीव्ड। ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है, और ये आपका रिड्यूसर है डबल स्टेज का मोटोजैन का। और ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल होगी, डायरेक्टली सिलेंडर पे जाएगा। इनका साइड फिलिंग वाल्व भी लगा रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा काम किया हूँ मैं, एक तो फ़िल्टर लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए। इनका इंजेक्टर्स का सारा सॉकेट टू सॉकेट फिटिंग है, कपलर टू कपलर। इस गाड़ी के अंदर मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, क्योंकि टाटा की कोई भी गाड़ी हो, मतलब बिना डायनेमिक का वो मज़ा नहीं है। अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, गाड़ी पेट्रोल और पेट्रोल से बेहतर चलेगी। वायरिंग सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में किया हूँ, प्रॉपर स्लीव सीधा वायरिंग डन। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है किट लगाते हुए, ताकि कभी भी कोई ऐसा हैजर्ड ना हो। और इसके अंदर कूलेंट कनेक्शन करके दिया हूँ आपके, रिड्यूसर से दो पाइप आपका कूलेंट कनेक्शन होके आ रहा है। ज़बरदस्त फिटिंग है एल्ट्रोस के अंदर, और एल्ट्रोस एक गाड़ी है जो सीएनजी पे ज़बरदस्त कामयाब है। एवरेज इन गाड़ियों में लोकल में 17-18, हाईवे में 25 प्लस। इनका साइड फिलिंग वाल्व भी लगा रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा। और इनका पीछे सिलेंडर लगने के बाद 70% स्पेस निकल कर आता है, वो भी दिखाऊंगा। और इन गाड़ी की ट्रायल लूँगा और इन कस्टमर का रिव्यू लेके दूंगा मैं आपको। सो दिस इज टाटा एल्ट्रोस। इसमें स्पेस बहुत निकलता है, देखो इसके अंदर मोर देन 70% ऑफ द स्पेस इज देयर। जो स्टैंड का क्वालिटी है मेरा, मोल्डेड पाइप स्टैंड, टीवीएस नैनो लॉक नट बोल्ट, और डक्टिंग एक बार क्लैंपिंग करूंगा लीकेज चेक होने के बाद। इस पे हमने साइड फिलिंग वाल्व का भी ऑप्शन दिया है, और आगे भी, मतलब बार बार बोनेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप गैस डलवाओ, जेन्युइन वाल्व है। और जो सिलेंडर लगाया हमने 12 kg का लगाया। एल्ट्रोस के अंदर एवरेज लोकल में कम से कम 17-18 की एवरेज है, और हाईवे पे 25 प्लस। लोकल चलाते हैं 4 रुपये किलोमीटर, हाईवे पे 3 रुपये किलोमीटर ऑन AC। मज़ा आएगा भाई को गाड़ी चला के। अब एक बार देखते हैं गैस कितनी आती है, फिर सेटिंग करते हैं, ट्रायल लेते हैं। सो दिस इज़ टाटा एल्ट्रोस BSX। भाई इस जैसी गाड़ी नहीं है, और CNG बहुत ज़बरदस्त कामयाब है। टाटा की कोई भी गाड़ी हो, आपका नेक्सॉन हो, पंच हो, एल्ट्रोस हो, टियागो हो, टिगोर हो, एल्ट्रोस हो, मज़ा है। एक बार भैया से पूछते हैं, पेट्रोल पे आपने लगभग 30,000 किलोमीटर चलाया आपने, अब CNG पे चला रहे हो, कैसा लग रहा है? मेरे को तो सेम वही लग रहा है, पेट्रोल पे चला रहा हूँ मैं। पता नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं पता लग रहा जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, फिटिंग कैसा रहा लड़के ने जो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप वीडियो में जो आपने देखा, सेम जो वीडियो में देखा वही हमें यहाँ पाया। हाँ। इसी विश्वास के साथ हम आपके पास आए थे सर, और वही चीज़ हमें मिली। आगे सर्विस भी बहुत बढ़िया मिलेगा सर, टेंशन ना लो, बस मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया सर। अब मेरा देखो, वीडियो में मैं क्या कहता हूँ कि भाई आप बिना कॉम्प्रोमाइज किए आप पैसा बचाओ, गाड़ी को बिना कोई नुकसान हुए पैसा बचाओ, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए आप पैसा बचाओ, ये काम है। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया। हाँ। ऐसा लग रहा है पेट्रोल पे चल रही है। हाँ। मैं तो महसूस नहीं हो रहा, CNG में चेक कर रहा हूँ, CNG यहाँ चल रही है CNG पे, पर महसूस ही ऐसा हो रहा था। चलो सर, मज़ा आएगा। चलो थैंक यू। सो दिस इज टाटा एल्ट्रोस, रियली अल्टीमेट कार, एंड व्हाट टू टेक केयर। मैं भाई साहब को समझा दूंगा आगे, अपने मैकेनिक से क्या काम कराना है वो सब कुछ समझाऊंगा मैं। और आगे हमारी सर्विस लाइफ टाइम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए, इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।